कुछ खास बातें यहाँ की। वैसे ये मंदिर का निर्माण वैसे कब, मतलब कब से हुआ है? आप बहुत पहले से हुआ होगा ना? हेलो गाइस, देख सकते हैं आप, ये है हुकारा देवी मंदिर माँ भगवती का। देख सकते हैं ये मंदिर के बाहर से कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। और हम जाएंगे यहाँ से अंदर, देख सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के एंट्री गेट के पॉइंट पे, और यहाँ पे जय माँ भगवती का एक बोर्ड लगा है, देख सकते हैं। इसमें लिखा है माँ भगवती के दरबार में आप सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का ग्राम सेवक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता है, देख सकते हैं। और यहाँ से हम जूते कहाँ पे उतारे ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जय माँ हुंकारा देवी, देख सकते हैं कितना सौंदर्य भव्य गेट है गाइस, देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, सबसे पहले एक बार हम पानी का कुंड ढूंढते हैं, और पहले तो हम जूते को यहाँ पे उतार के चलते हैं गाइस। देख सकते हैं गाइज मंदिर में सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि पानी की सुविधा मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, देख सकते हैं गाइज। और अब हम यहाँ पर पानी से हाथ मुँह भी धोते हैं और टेस्ट भी करते हैं कि कितना ठंडा यहाँ का पानी जो है आता है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले चुनरिया और घंटियों का ढेर सारे यहाँ पर जो है मतलब लोगों ने चढ़ाया गया है, लोगों द्वारा चढ़ाया गया है, देख सकते हैं गाइस कितने मतलब अनगिनत घंटियाँ, मतलब गिन नहीं सकते हैं गाइस इतने घंटियाँ हैं। और वैसे ही हम चुनरियाँ भी यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कितने भरपूर मात्रा में चुनरियाँ हैं गाइस, देख सकते हैं मतलब। तो यहाँ पर जो है मंदिर का मेन गेट है। तो गाइस देख सकते हैं हुंकारा देवी मंदिर का कितना भव्य एवं सुंदर यहाँ पर गेट है और मंदिर है, देख सकते हैं गाइस।
तो देख सकते हैं मंदिर के अंदर। और ये जो सबसे बड़ा पत्थर जिस पे त्रिशूल बनाया गया है, ये जो है शक्तिपीठ का पत्थर माना जाता है। और माना जाता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं मांगता है, अपनी प्रण रखता है, उसकी अवश्य ही मनोकामनाएं पूरी होती है। तो गाइज अब अंदर जाके थोड़ा सा पूजा करके आते हैं और फिर यहाँ के लोगों से पूछते हैं यहाँ की रोचक बातें। बताइए आप क्या करना चाहते हो? बताइए आप कुछ इस मंदिर में। मैं ग्राम पंचायत हुकरा राजखंड मुंसारी जी जनपद के थोरागढ़ से अन्न सुरक्षा कर्मी श्री केसर राम पुत्र स्वर्गीय निराश्रित व्यक्ति हूँ जी। तो विगत मैंने 5 वर्षों से यहाँ नियमित बॉर्डर के सैनिकों की तरह उपस्थिति में आदि तूफानों में कीचड़ में जी और जौकों के लथपथ शरीर में खून से लथपथ शरीर को लेकर मैंने विगत 5 वर्ष तक नियमित सेवा का कार्य किया अन्न सुरक्षा कर्मी में अन्न जी चौकीदार खेत पर हरी खेत पर हरी। तो मैं उत्तराखंड के सरकार को यह कहता हूँ कि यह जो है माता हुंकरा देवी के दूत हैं। जब से माता का वास यहाँ हुआ जी तब से यह क्षेत्र बन इनके साथ बंदरों का रहना अति आवश्यक है। और जब से छठी माता का यहाँ अवतार लिया है तो बंदर हमेशा इनके साथ रहे हैं। ये हनुमान जी के गण हैं और राम के दूत हैं और माता के बाण रूपी देवता भी हैं और भैरवनाथ के भी ये गण हैं। आप यहाँ कितने सालों से मतलब यहाँ सेवा करते हो? मैं विगत 5 वर्षों से नियमित रूप से यहाँ। और यहाँ अक्सर पूजा कब किस टाइम पे होता है मतलब ऐसे? आश्विन मास के या जो नवरात्रि के टाइम पूरा भरा रहता होगा ना यहाँ? बहुत सारे लोग आते होंगे। अच्छा, और यहाँ वैसे कोई 12 वर्ष मतलब कोई पंडित अगर वगैरह रहते हैं? पंडित बमन गाँव में रहते हैं द्विवेदी जी। अच्छा, जब बुलाते हैं द्विवेदी जी जब तब आएंगे जी। उनके जजमान बुलाते हैं, जजमान बुलाते हैं तब आएंगे जब कोई भी बाहर का। ये सही बात, बम्बई पूरे संसार के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। माता में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है, इसी वजह से हम बारिश के मौसम में भी आ गए माना जाता है जी। आज तो हम पहली बार ही आ रहे थे यहाँ, माता में काफी शक्ति है कि हमने कहा दर्शन कर देते हैं। देख सकते हैं लोग काफी यहाँ चुंदरिया माता की शक्ति का अगर वो ध्यान रखती है, भक्ति लगाएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देख सकते हैं तो लोगों की मनोकामना पूरी हो रखी है, इतनी चुंदरिया इतनी घंटिया देख सकते हैं, हजारों लोग अपनी मनोकामना बांधती पूरी होती होगी तभी इतना पाठ लगाती जी। वैसे ये मंदिर का निर्माण वैसे कब मतलब कब से हुआ है? आप बहुत पहले से हुआ होगा ना? ये सत्युग से ये सत्युग। अच्छा, कुछ खास बातें यहाँ की? खास बातें ये है, ये इनका ये दीदी कहीं पलन से ही पलायन होकर के यहाँ बसे। अच्छा ठीक, थैंक्स। ये मिलता लोगों को जी, वही है यहाँ के पुजारी, ये सत्युग में ही इनका वास माना जाता है जी। जब से यहाँ ये माता का वास हुआ है बंदर हमेशा इनके साथ रहे हैं, तो इनके पलायन होने में क्या हो रहा है कि मंदिर की सौंदर्यकरणता में कमी आ जाएगी। अच्छा। ये माता के अलंकृत करते हैं, हनुमान जी के गण है, राम के दूत हैं, भैरवनाथ के बाणों की दीपिका है जी। और भैरवनाथ के रूप में भी है, कुछ फल आहार भोजन करते हैं। हाँ।